नमस्कार मित्रों, ये हमारे बलराम जी शर्मा का खेत है। इसमें हमने आज से 1.5 महीने पहले ये सजबेनिया की बोनी की थी। इसको बोने के बाद हमने पानी चला दिया, आप देखेंगे ये बिल्कुल तैयार हो गई है हमारे खेत में। और इसको हमने ये देखो रोटोवेटर के माध्यम से हमारे खेत में मिला दिया है। अब इस खेत में हमको कृत्रिम रूप से यूरिया डालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस फसल में इसको पीसने से हमारे खेत को यूरिया की पूर्ति यूं ही हो जाएगी और हमारे खेत में हरित खाद मिलाने से जमीन में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि भी होगी।